दिल्ली के अंदर बैठे हुए राजनेताओं को इतना बड़ा जुल्म हो रहा है वो दिखाई नहीं दिया। उनको तो लगा कि एक दो परिवारों को संभालो कश्मीर संभल जाएगा, एक दो परिवारों को जो चाहे करने दो कश्मीर संभल जाएगा, एक दो परिवारों को मनमानी करने दो, लूटना है तो लूटने दो, जनता की बर्बादी होती है तो होने दो, कश्मीर संभल जाएगा। यही कारनामे चलते रहे। फिर एक साल ऐसा भी आया, पहले कुछ हिस्सा गया, फिर सूफी परंपरा गई, फिर जम्मू के साथ लद्दाख के साथ भेदभाव का सिलसिला चलाया गया, लगातार जम्मू के साथ अन्याय, लगातार लद्दाख के साथ अन्याय, लगातार करगिल के साथ अन्याय, भेद रेखाएं खींची गई, समाज को बिखराव की तरफ धकेल दिया गया। फिर एक चाल चली गई और उस चाल के तहत वो तबका आया जब कश्मीर की धरती से 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों को मौत के घाट उतारना, बेटियों पे बलात्कार करना, उनको कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक के बाद एक कदम देखिए, और फिर बम बंदूक और पिस्तौल के जोर पर पाकिस्तान से भेजे गए टेररिस्टों के बल पर, अलगाववाद के नाम पर, और हर बार धारा 370 दिखा दिखा करके दिल्ली को भी डराया गया, देश की एकता और अखंडता के ऊपर खतरा है, ऐसा माहौल बना दिया गया। और दिल्ली में बैठे हुए लोग सब कुछ आंख मूंद करके बैठे रहे, कश्मीर तबाह होता चला गया। टेररिस्ट तय करते थे, अलगाववादी तय करते थे, सोमवार को क्या होगा, मंगलवार को क्या होगा, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, सारा कैलेंडर आतंकवादी तय करते थे, अलगाववादी तय करते थे, देश के दुश्मन पड़ोस में से इशारा करते थे और यहां पर नाचने वाले खेल खेलते थे। भाइयों, ये सब चलता रहा और देश के वीर जवान शहीद होते रहे, तिरंगे जने को जूतों के नीचे रौंद दिया जाता था, तिरंगे झंडे को आग लगा दी जाती थी, और सब कुछ चल रहा था। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या पूरी ताकत से बताइए, क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए कश्मीर को तबाह होने देना चाहिए? क्या कश्मीर ज्यादा प्यारा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद ज्यादा प्यारा होना चाहिए? हर हिंदुस्तानी का एक ही जवाब होता है, अरे प्रधानमंत्री के पद तो आते हैं जाते हैं, मेरा कश्मीर रहना चाहिए, मेरी कश्मीर के लोग रहने चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, और इसलिए अब कैलेंडर वो तय नहीं करेंगे, दुश्मन देश में से तारीखें तय नहीं होगी, अब तारीखें हिंदुस्तान तय करेगा। हम नीतियां हिंदुस्तान बनाएगा, नीतियां कश्मीर के लोग बनाएंगे, दुश्मन देशों में बैठे हुए लोग भारत का भाग्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। वो वक्त चला गया,
देश बदल चुका है।